अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि आज हम व्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं पैकेजेस मॉल। ये रास्ते के कुछ सीन्स आपको दिखा रहा हूँ जब हम DHF से गुजरते हुए आ गए अपनी मंजिल की तरफ। आज गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता हमने कितना इन्जॉय किया मॉल के अंदर। मतलब ये कि A to Z हमने हर चीज़ उसकी जो है वो विज़िट की है, एक्सप्लोर किया है, देखी है और मज़ा आ गया। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पैकेजेस मॉल के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा ये उसके बाहर का व्यू है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने पार्किंग के लिए बहुत खुला एरिया छोड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब जगह थी पार्किंग के लिए, और वहाँ पर जो है वो एक जमे गवीर था लोगों का। उसके बाद हम लोग मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग मॉल के अंदर जो है एंट्री करने के बाद आपको डिफरेंट जो है इनके आउटलेट्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो विज़िट करवाएंगे। एक सीन है जो आपके सामने क्रिएट किया जाएगा, उस सीन के अंदर आपने देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने तो वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया है, मेरे जो भी वो 1.5-2 घंटे वहाँ पर गुजरे हैं, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ टाइम के गुजरने का, इतना अच्छा जो है वो टाइम वहाँ पर पास हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सारे आउटलेट्स हैं जो दरमियान में उन्होंने लगा के रखे थे, जिसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स की एसेसरीज़ के कुछ थे आउटलेट्स। उसके अलावा जो है वो आपको कुछ पॉपकॉर्न के आउटलेट्स नज़र आ रहे थे, कि हैंड बैग्स के आउटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्टाइलो का आउटलेट है, उसमें एक बच्ची देखें जो है अपनी मम्मा से आई थिंक किसी चीज़ की जिद कर रही, मुझे ये ले दो, उसकी मम्मा उसको समझा रही है कि नहीं पुत्र नहीं लेनी ये चीज़, लेकिन फिर आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये देखें जी, ये क्लोथ्स का आउटलेट है, बहुत ज़बरदस्त था ये। यहाँ ये जबल जो है वो एक लड़की के अंदर लगने लगा था, उसने इसको माँ की गंदी गाली निकाली है, मैंने सुनी है, इसने नहीं सुनी, लेकिन ये डीट है, बहुत बेवकूफ़ है ये, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और ये जनाब बच्चा पार्टी के लिए उन्होंने अलग से जो है वो एक पूरा का पूरा एक एरिया जो था वो बच्चों के लिए मखसूस किया हुआ था। वहाँ पर तरह तरह के खिलौने और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, मतलब बच्चे जो थे वो वहाँ पर इतना इन्जॉय कर रहे थे। आपको हम मतलब वो सीन कभी आप देखें ना जाके तो आपको मज़ा आ जाए, इतना प्यारा सीन था वहाँ पे। मतलब व्लॉग के अंदर सबसे बेस्ट होता है कि जब वो आपको ना एक बचपन याद आ जाए ना, वो एक ऐसी चीज़ जो आप कभी बचपन में वो किया करते थे, तो वो चीज़ जो है ना वो व्लॉग के अंदर मुझे सबसे बेस्ट लगी। ये कुछ चीज़ें जो है ना आप देखिएगा, अभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये जनाब इसके ऊपर का व्यू है जो कि लेवल का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लेडी गुजर रही थी, इधर वाली जो है वो मुझे ठीक लग रही थोड़ी। बाकी जनाब आपके सामने है सारा सीन, चेक करते जाइएगा वन बाय वन। मतलब यार ये कि बहुत ही फैमिली वाला माहौल था वहाँ पे, मतलब ऐसे फील हो रहा था आपको जैसे आप अपनी फैमिली में आए हुए हैं, समझ रहे ना आप। हाँ, उधर से चपेड़े खा के ना आ जाना, इतना भी फ्री नहीं था वहाँ पे। अब आपको लगे कि शायद इतना ही फ्री है, पर यूरोप नहीं था वो, मतलब ठीक था जैसे भी आपको नज़र आया है, बस ऐसे ही ठीक था। हल्की हल्की झलकी हम लोग आपको माहौल की भी दिखा रहे हैं। यस, ये सेल्फ स्टॉप था, यहाँ से मेरा दिल किया कि मैं ना अपने आईफोन के लिए पाउच ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अभी तक ये ठीक है, सही चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है नया पाउच लेने की, जब है ही ठीक तो फिर क्या मसला गया। ये जनाब वही बच्चा पार्टी का व्यू है सारा का सारा, जिसमें बच्चों के लिए सारे खिलौने थे। इसके इस साइड पे आपको ज्यादा कपड़ों के आउटलेट्स मिलेंगे। और ये कमाल, ये चीज़ जो थी ये बेस्ट थी यार, मतलब ये सिनेमा इनका, मूवीज़ वगैरह अगर आपका देखने का दिल हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और क्या माहौल था यार यहाँ पे, सिनेमा का एनवायरनमेंट कमाल, नहीं देख सकते, खाड़ी का आउटलेट और जो है वो बच्चों के लिए। बहुत ही लेवल का इन्होंने ये वाला जो है ना, ये था इनका, यहाँ पर एक तो सुकून भी था, इतना रश नहीं था, और ये जो एरिया था ना ये मतलब बेस्ट लगा है कि यहाँ पे ना बहुत गिनी चुनी चीज़ें थी लेकिन थी कमाल की। ये सिनेमा का एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है, लोग बाहर टिकट्स लेने के लिए खड़े हुए थे।
उसके यहाँ बच्चों के आउटलेट के साइड से होते हुए हम आगे मूव कर रहे हैं जी। लोग जनाब टिकट्स लेने के लिए बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पे यार मुझे एक चाइना का बंदा मिल गया। मैंने उससे ना इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पाकिस्तान। कहता आई नो लिटिल इंग्लिश। मैंने कहा मैं की करा आई नो लिटिल चाइनीज। मुझे चाइनीज नहीं आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उससे थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन करने की कोशिश की। अबे साले जब तेरे को उर्दू आती थी तो मुझे इतना खपाने की क्या जरूरत थी। दे ले जी। फाइनली इसके बाद हम लोग जो है वो हमने सोचा कि अब हम किसी और मॉल का रुख करते हैं। तो हम नया नया मॉल एक बना था हमारे जहन में आया कि चलो हम उस मॉल की तरफ जाके वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उस मॉल का नाम था गोल्ड क्रेस मॉल। ये बिल्कुल नया बना था तो मुझे जो है वो पता लगा कि शायद यहाँ पे जो है ना वो कुछ मे बी ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए कि जिसमें आप जो है वो इन्जॉय कर पाएँ व्लॉग के अंदर। तो ये इसका बाहर का फ्रंट का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा गोल्ड क्रेस मॉल का। वैसे ये मॉल जो है वो बाहर से तो ठीक था। उन्होंने गोल्ड का जो इसका नाम रखा होता मुझे बाहर को इतना ज़्यादा तो वो नहीं, बस इसका कलर ही जो था वो थोड़ा सा अट्रैक्ट किया है मुझे कि जिससे लग रहा था कि शायद कोई गोल्ड की चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे सीन नज़र आया तो नहीं। बहरहाल फाइनली मैंने सोचा कि चलें जी अब इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस थी जहाँ से हम लोग एंटर हुए। अब ये बाहर इसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ एंट्री के टाइम पे जो है वो ये था कि हमें शक था कि शायद गार्ड जो है वो कोई इतना सामान वगैरह चेक और ये इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा एंट्री पे उन्होंने मतलब कोई इतना तंग नहीं किया। यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे और यहाँ की जो वेटरस थी वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं हम इधर जो है वो फ्री का खाना खाने आए हैं। वो बार बार आके कुछ ना कुछ पूछ रही थी, ये खाना है आपने, वो खाना है। मैंने कहा अरे कुछ नहीं खाना यार, जान छोड़ दो, प्लीज़ जान छोड़ दो, नहीं खाना हमने यहाँ से कुछ, क्यों तुम हमारे पीछे पड़ गई हो। इसके बाद हमने थोड़ा आउटलेट्स को वो देखने की कोशिश की कि यार यहाँ पे किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। हम लोग बार बार एक ही चीज़ के पीछे जाते हैं कि ये किस मॉल के अंदर कौन सा आउटलेट बेस्ट है, कौन सी डील बेस्ट है। हम तो ये इसी चीज़ के चक्कर में थे। हम लोग ज़्यादा ये चाह रहे थे कि हमें हर किसी ना किसी मॉल से जो है ना बेस्ट चीज़ मिल जाए जो कपड़ों के रिलेटेड या आपके पास खाने के रिलेटेड इस तरह के रिलेटेड हो। जैसे ये देखें ये इनका आउटलेट, ये मुझे प्यारा लगा था। बाकी ये वाला फजूल है, ये कोई इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। जो नेक्स्ट आउटलेट आपको नज़र आ रहा है ये कोई इतना मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद जो है ये मशरक वाले थे। मशरक वालों कुर्ता जो इनका जो है था कुर्ता स्टाइल वो बहुत अच्छा था। मतलब वो वाकई मशरक उन्होंने नाम ठीक रखा हुआ था कि इनके पास जो है ना शलवार कमीज़ की वैरायटी बहुत अच्छी थी। ये जो आंटी जा रही ना ये मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने इनके पैसे देने, और इसके पीछे ये जो आंटी जा रही है इनके इसके चप्पलों की आवाज़ पूरे मॉल में ऐसे थी जैसे कोई ढोल बाजरा होता है। ये हिसाब था इसकी चप्पलों का, पता नहीं कहाँ से खरीदी इसने मुझे नहीं समझ आई, लेकिन इसकी चप्पलों की आवाज़ अल्लाह माफ़ करे पूरे मॉल के अंदर इसकी चप्पलें की आवाज़ें सुनाई दे रही थी हमें। मतलब यार इसके बाद जनाब नेक्स्ट आपके सामने है कैम्ब्रिज, दैट इज शर्ट आउटलेट। वेरी वेरी कमाल, बहुत अच्छा था इनका शर्ट का आउटलेट जो है। इसके बाद हम आगे मूव करते हुए जा रहे थे। मॉल वैसे कोई इतना बड़ा नहीं था यार, मुझे कोई इतना बड़ा नहीं लगा। इसके नीचे वाला यही वाला फ्लोर जो था ना इसमें कुछ आउटलेट से भी ऊपर वाला बिल्कुल खाली था। और अभी हम लोग जो है वो वापस जाने की तैयारी में थे। तो बाकी ये मॉल जो है वो इतना खास नहीं था। अगर आप लोग आएँ तो पैकेजेस मॉल को प्रेफर कीजिएगा। और इसके साथ साथ हम लोग वापसी का रास्ता अख्तियार करते हुए जनाब व्लॉग जो है उसको ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। शाम ढलते हुए सूरज के साथ ख़त्म होता हुआ व्लॉग, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।